अपकमिंग KTM RC390 के फाइनली डिज़ाइन और कलर आउट हो चुका है। KTM के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इमेज सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं KTM के न्यू RC390 की अनऑफिशियल बुकिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ ऐसे डीलरशिप है जो अनऑफिशियल बुकिंग को ले रहे हैं। KTM के न्यू RC390 को एक नए अवतार के साथ उतारा गया है, जो कि आप अभी देख सकते हैं। ब्लू और ऑरेंज कलर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि इस बाइक को KTM के सारे मॉडल से अलग बनाता है। यहाँ पे इसमें एक अलग ही साइन मिल जाता है। जब आप इसको मार्केट में लेकर निकलेंगे तो आपको देख के ही लोग पहले ही समझ जाएंगे कि KTM की RC390 है, क्योंकि ऐसा कलर सिर्फ आपको न्यू KTM RC390 में ही देखने को मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ, जो सुनने में थोड़ा सा मजा आएगा। KTM ने मिस्टेक से न्यू जनरेशन RC390 को ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दिया था, बट थोड़ी देर बाद कंपनी ने इसको बंद करके डिलीट भी कर दिया था। बट एक बंदे ने जिनका नाम है यदु कृष्णन, उन्होंने इसको सेव कर लिया। अब वहीं से ये ऑटोमोबाइल में ये न्यूज सारा फैल रहा है कि KTM RC390 का ये इमेज आउट हुआ है, ऐसा डिजाइन, ऐसा लुक मिलने वाला है। वहीं इसके डिजाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले आप इसके लुक को देख सकते हैं। इसमें डुअल टोन ब्लू और ऑरेंज कलर का सेट दिया गया है, साथ ही इसमें सिंगल LED हेडलैम्प या ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिल सकता है। अभी इमेज में ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ब्राइटनेस है, तो वहाँ पे वो मिक्स हो जा रहा। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इसमें वन सिंगल LED हेडलाइट दिया गया या प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया गया है। ये थोड़े दिन बाद ये और भी कुछ इमेज आउट होंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको DRL भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें फ्यूल टैंक भी आप देखें तो थोड़ा सा ये बड़ा देखने में लग रहा है। करंट मॉडल में 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, बट इसमें उम्मीद है कि 10 से 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो सकता है। कुछ और चेंजिंग की बात करें तो अब आपको इसमें राइडिंग पोजिशन में चेंजिंग देखने को मिलेगा। न्यू RC390 में अब आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्स राइडिंग पोजिशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही न्यू RC390 में हैंडल बार है, उसको थोड़ा ऊपर किया गया है। साथ ही इसमें जो फुट पैक्स है उसको भी थोड़ा सा फॉरवर्ड किया गया, थोड़ा सामने की तरफ आगे की तरफ किया गया है। साथ ही अगर आप इसके पिलियन सीट देखें तो पिलियन सीट को भी इम्प्रूव किया गया है, उसमें आपको ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा पिलियन को। और जो पिलियन का फुट पैक्स है उसको भी थोड़ा सामने किया गया, जिससे पिलियन को कंफर्टेबल फील होगा। वहीं फेयरिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, जो कि अभी करंट वाले मॉडल से इसमें आपको बेटर लुक मिल रहा है न्यू RC390 में। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं KTM के न्यू RC390 का लुक आपको कैसा लग रहा है और इसका कलर भी आपको कैसा लग रहा है। वहीं इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 373 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल VS6 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 43 HP का पावर और 35 Nm का फिक्स टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स भी देखने को मिलने वाला है, थोड़ा बहुत इसमें आपको स्मूथ पावर देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो KTM RC390 का जो ओल्ड मॉडल में सस्पेंशन देखने को मिलता है, वही आपको इस बाइक में भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में USD और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। साथ ही KTM कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर सकती है सस्पेंशन में, जिससे ज्यादा आपको कंफर्टेबल मिलने वाला है। वहीं एक बड़ा चेंज किया गया है KTM RC390 में, जो कि आपको ब्रेकिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसमें अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, लीन एंगल सेंसिटिव ABS और साथ ही BI डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी इसमें दिया गया है, जो कि ये अभी करंट वाले मोटर 390 एडवेंचर में देखने को मिल रहा है, बट अब आपको KTM के न्यू RC390 में भी ये फीचर देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसमें न्यू ब्लूटूथ एनेबल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल यही अपडेट अभी मिल पाया है KTM न्यू RC390 के। तो अब आपको एक एस्टिमेट मिल गया होगा, एक अंदाजा मिल गया होगा कि KTM के आने वाले न्यू RC390 में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा लुक इसका होने वाला, कैसा कलर होने वाला है। वहीं अब इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो करंट वाले RC390 से 20 से 25 हज़ार कॉस्टली हो सकता है। जो अभी का करंट वाले मॉडल है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 2,77,000 से। तो दोस्तों आप लोग एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि इसका प्राइस कितना तक जा सकता है। वहीं इसके लॉन्चिंग की बात करें तो आने वाले कुछ हफ्तों में KTM इसको लॉन्च कर सकती है। आप मान के चलिए कि 90% चांस है कि अगस्त तक इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा, और जहां तक मेरा मानना है कि 15 अगस्त को कंपनी इस बाइक को लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राइड विद बाइक।